We'll move on to next topic, that is radial probability. Distribution, radial probability distribution of electrons. That is how electrons are distributed in the orbitals for radial plots as well as for angular plots. Means there can be, we have three different types of variables are there. So among these three variables, एक को हम vary करते हैं, बाकी दो को हम ऐसे ही रखते हैं. तो हमारे पास है r, theta and phi. So इसमें से अगर ये दोनों में से किसी एक को वेरी करते हो और बाकी के दोनों, बाकी के दो को कांस्टेंट रखते हो, r को कांस्टेंट रखते हो और थीटा फाइ में से कोई एक कांस्टेंट रखते हो, देन इट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेरिएबल. या इसके जो प्लॉट्स आते हैं, दैट प्लॉट्स वी कॉल इट एज एंगुलर प्लॉट्स. अगर ये थीटा या फाइ में से कोई एक वेरी कर रहा है, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट है, तो इट इज कॉल्ड एज एंगुलर प्लॉट्स. लेकिन अगर ये दोनों कॉन्स्टेंट है, दिस टू आर कॉन्स्टेंट एंड वी आर वेरिंग ओनली r, सिर्फ r वेरी कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड एज ए रेडियल प्लॉट. बिकॉज दिस विल बी डिपेंडेंट ओनली ऑन r, थीटा और फाई का रोल यहाँ पे नहीं होता है. सो दैट वी कॉल इट एज ए रेडियल प्लॉट. सो वी विल सी अबाउट द रेडियल प्लॉट्स फर्स्ट एंड देन वी विल सी अबाउट द एंगुलर प्लॉट्स. रेडियल प्लॉट्स आर इजियर देन टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद रेडियल प्लॉट्स एंड देन वी विल गो फॉर द एंगुलर प्लॉट्स. जब हमने रेडियल इक्वेशन या आर इक्वेशन जब हमने सॉल्व किया था, व्हेन वी हैड सॉल्व द आर इक्वेशन, that r equation was this was our r equation. r equation में यहां पे हमारा ये final हमारा मिला था algebraic expression. इसमें n टर्म है यहां पर और l टर्म है. सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन n एंड l. ये दो क्वांटम नंबर्स यहां पे आते हैं r टर्म में. n और l क्वांटम नंबर्स आते हैं इसमें r टर्म्स में. सो दिस इज डिपेंडेंट ऑन m एंड l. सो वी कैन राइट इट एज r ऑफ n l. सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन 24 टू बी r ऑफ n l इक्वेशन. So if we take this for our radial plots, it becomes radial plots suggests that it is a r of nl is there. So it depends on two quantum numbers n and l. For simplicity, first we will take it only n, l ko hum zero karte. So that l equals to zero. That means that we are considering s orbitals, because l equals 0 hai, so it is a s orbital is there. So we are considering only the s orbitals and not the other orbitals. So in this case, when we are considering the s orbitals, let us take the simplest of them, that is 1s orbital, jo sabse simple hota hai. Consider psi of 1s. Psi of 1s is, just now we have seen it, it is 1 upon root pi z to the power of 3 by 2 e to the power of minus zr. ये हमारा psi of 1s है. इसका अगर हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट करें, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉटिंग में वी आर वेरिंग r एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट what will be the shape of the graph that we are going to have it here. So that can be something like this, where this y-axis is our r of nl, r function, wave function ka values, or
एक्स एक्सिस में हमारा आर वेरी करेगा, एक्स एक्सिस में हम आर को वेरी करेंगे इन एटॉमिक यूनिट्स। सो यहाँ पे अगर हम पहले साई ऑफ वन एस को अगर हम देखते हैं तो आर इक्वल्स टू जीरो अगर हम यहाँ पे डालते हैं, दैट इज इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन का वैल्यू साई ऑफ वन एस का वैल्यू क्या होगा, तो आर इक्वल्स टू जीरो डालेंगे तो इट विल बी हैविंग ई टू द पावर ऑफ जीरो, दैट इज वन होगा, लेकिन ये जो होगा दिस विल बी देयर, तो इट विल बी फॉर आर इक्वल्स टू जीरो साई ऑफ वन एस विल बी इक्वल टू वन अपॉन रूट पाई ई जेड टू द पावर ऑफ थ्री बाई टू, वन अपॉन रूट पाई जेड टू द पावर ऑफ थ्री बाई टू होगा इसका वैल्यू, मीन्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम नॉन जीरो वैल्यू, it will start from some non-zero value it will be having it, and that non-zero value will be equal to the maximum value that it can have it. So it will start from somewhere here. R equals to zero पे psi of one s या R n l को, या this we can write it as R n l of R. So R n l का जो है वो यहाँ पर इसका होगा. So जैसे जैसे हम R को बढ़ाते जाएंगे वैसे क्या होगा, r का वैल्यू जैसे बढ़ेगा ये e टू द पावर जो है ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये माइनस चार्ज है सो इट विल बी वन अपॉन e टू द पावर समथिंग बढ़ेगा, सो इट विल बी रिड्यूसिंग दिस r एन एल का फंक्शन का जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा, जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ेगा वैसे ये फंक्शन का वैल्यू कम होगा, r एन एल का वैल्यू कम होगा स्मॉल r का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, exponentially it will decrease and will reach zero at infinite time. It will reach zero at infinite time for n is equal to 1. Here because n is equal to 1 हमारा था क्योंकि psi of 1 s orbital हमने लिया था इसलिए n is equal to 1 आया था. When we take it psi of 2 s, अगर हम psi of 2 s को लिखते हैं तो साई ऑफ टू एस इज वन अपॉन फोर अंडर रूट टू बाय जेड टू द पावर ऑफ थ्री बाय टू, टू माइनस जेड आर ई टू द पावर ऑफ माइनस जेड आर बाय टू, ये हमारा साई ऑफ टू एस है, सो दैट वी कैन राइट इट दिस एज आर ऑफ टू जीरो, आर ऑफ टू जीरो, यहाँ पे एन इज इक्वल टू टू है और l equals to 0 है, so it can be r of 2 0. तो इस फंक्शन को जब हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे इसी ग्राफ में, तो what we can find it out is that when r is equal to 0, at r is equal to 0, this term vanishes, e to the power term vanishes, यहाँ पर भी zr 0 हो जाएगा लेकिन 2 बचेगा, so it will be, this term will be of this kind. So what we will have is here, if this will start with some non-zero value, it will be starting with some non-zero value, लेकिन यहाँ पे हमारा 1 upon 4, यहाँ पे 1 upon root pi है, यहाँ पे 1 upon 4 root 2 pi है, and यहाँ पर 2 से multiply करेंगे, तो भी ये 1 upon 2 root 2 होगा, so it will be lesser than this one. साई ऑफ वन एस का जो यहाँ पे आया था हमें जीरो पे मिला था उससे साई ऑफ टू जीरो टू एस का कम में आएगा, सो इट विल स्टार्ट समवेयर हियर, दिस विल बी स्टार्टिंग समवेयर हियर, एंड व्हेन वी सी दैट व्हेन वी आर इंक्रीजिंग आर दिस टू माइनस आर टर्म विल बी डिक्रीजिंग, क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ये टू माइनस आर टर्म जो है ये कम होते जाएगा, सो ये कम होगा और ये वन अपॉन ई टू द पावर ऑफ जेड आर बाय टू है, सो वो भी इस फंक्शन को कम करेगा, बट वन थिंग वी हैव टू टेक इट इनटू कंसीडरेशन दैट व्हेन जेड आर, व्हेन जेड आर इक्वल्स टू, व्हेन जेड आर इक्वल्स टू टू, टू माइनस जेड आर विल बी बिकमिंग जीरो, टू माइनस जेड आर जीरो हो जाएगा तो ये सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा, सो एट आर इक्वल्स टू फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम z हमारा 1 होगा, सो फॉर z इक्वल्स टू 1 ये जो टर्म है 2 माइनस जेड आर इट विल बिकम 2 माइनस आर, तो 2 माइनस आर में जब r इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, जब हम इंक्रीज करते जाएंगे r की वैल्यू को, तो एट ए पॉइंट वेयर r इक्वल्स 2 होगा तो 2 माइनस 2 विल बिकम 0, एंड सो दिस कंप्लीट इक्वेशन वेव फंक्शन विल वैनिश,
दैट मीन्स इट विल हैव अ जीरो वैल्यू एट वेव फंक्शन. सो यहां से अगर हमारा स्टार्ट होता है एंड इफ इट इज एट आर इक्वल्स टू टू यहां पर आता है तो दिस विल बिकम जीरो ओवर हियर. सो इट विल कम डाउन एंड विल बी जीरो एट दिस पॉइंट. देन इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, मीन्स कीप ऑन डिक्रीजिंग. नेगेटिव रीजन में जाएगा, वहां पे इंक्रीज होगा एंड देन अगेन मीन्स इट विल ट्रेवर्स द पाथ समवॉट लाइक दिस एंड देन इट विल रीच द इन जीरो अगेन एट इंफिनिटी. सो इट विल बी हैविंग समवॉट लाइक दिस वेयर वेयर ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस पॉइंट पे जहां पे जीरो आता है दिस पॉइंट वी कॉल इट एज नोड. The wave function becomes zero at this node point. N equals to one में हमारे पास कोई नोड नहीं आया था, N equals to two में हमारे पास एक नोड आया है यहाँ पे. हाँ, so यहाँ पे क्या होता है कि when it is function becomes zero at this particular point, N equals to one में ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया था जहां पर ये फंक्शन जीरो होता हो. तो N equals one में there were no nodes. While n equals to 2 mein, this is our n equals to 2. So in this function, we are having a node is present. So यहाँ पे हमारा ये नोड आता है n equals to 2 में, एक नोड हमें मिलता है. वैसे ही अगर हम n equals to 3 करेंगे तो n equals to 3 होगा वो यहाँ से इसके भी आधे से स्टार्ट होगा एंड इट विल मूव टू जीरो हियर. अगेन इट विल start to goes to minimum again. It will have a zero here, crosses this point, then goes into positive territory, and then again comes back to here, and it will be going to zero again for infinity. So यहाँ पे क्या होता है? It crosses this x-axis along this one point and this two points for n is equal to 3. N equals to 3 में यहाँ पे एक नोड पॉइंट आता है और एक नोड पॉइंट यहाँ पे आता है. सो वी हैव टू नोड्स फॉर N equals to 3 एंड वन नोड फॉर N equals to 2 एंड जीरो नोड फॉर N equals to 1. मींस वी हैव टोटल नंबर ऑफ नोड्स विल बी इक्वल टू N माइनस 1. टोटल नंबर ऑफ नोड्स for this will be equal to n minus 1 when l is equal to 0. When we are taking l is equal to 0, wahan pe number of nodes is n minus 1. N minus 1 number of nodes will be present for this particular graphs ya plots. Radial plots mein hume itne number of nodes milte hain. Agar wo hamara n is equal, sirf l is equal to 0 agar hum consider karte hain to. What happens when L, when we are considering L as non-zero? हमने अभी तक देखा था L is equal to zero में, लेकिन अगर हम N को L को हम अलग values लेते हैं, that is for L not equals to zero, that is for P, D, F where जो orbitals हैं, इस case में जब भी हम देखते हैं, तो ये जो function है, function is zero. At r equals to zero, because we can take examples of functions. क्योंकि यहाँ पे function equals zero इसीलिए होता है r equals to zero में, क्योंकि यहाँ पे r to the power of term होता है. We have it like for example r of 2 1, that is n is equal to 2 and l is equal to 1, means 2p orbitals. 2p orbitals में हम एंगुलर टर्म यहाँ पे नहीं लेंगे, cos थीटा, cos phi, sin phi हम नहीं लेंगे, सिर्फ उसका रेडियल पार्ट हम लेंगे, क्योंकि हमारा एंगुलर पार्ट हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इसलिए उसे हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे. सो दिस इज समथिंग 2√6π z टू द पावर ऑफ पाई बाय 2 r e टू द पावर ऑफ माइनस z r बाय 2. ये हमारा 2p ऑर्बिटल हुआ बिकॉज r टू द पावर ऑफ 1 है यहाँ पे. सो ये p ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, n इज इक्वल टू 2 है, सो इट इज ए 2p ऑर्बिटल. 2p ऑर्बिटल में अगर हम r इक्वल्स टू 0 करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम लेते हैं प्लॉट का, इफ वी आर टेकिंग द प्लॉट स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज दिस, इफ वी आर दिस इज r n l ऑफ r, और यहाँ पे हमारा r का वैल्यू है x एक्सिस पर
अगर हम आर इक्वल्स टू जीरो लेते हैं तो ये पूरा टर्म वैनिश हो जाएगा. सो जो हमारा यहां पर जो स्टार्ट हो रहा था वो मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा था विथ सम वैल्यू इट वॉज स्टार्टिंग. अगर एल इज इक्वल टू नॉन जीरो होगा तो वो जीरो से स्टार्ट होगा. बस फर्क इतना ही पड़ेगा दैट इट विल स्टार्ट विथ जीरो बिकॉज यहाँ पे आर इक्वल आर टर्म होता है. सो आर टर्म यहाँ पे होने की वजह से वो जीरो से स्टार्ट होगा. एट आर इक्वल टू जीरो वी हैव दिस टर्म एज जीरो. So this will be r at r equals to 0, ये 0 से होगा. It will increase to a certain maximum. Then it reaches 0 at infinity. This is for n is equal to 2, l is equal to 1. N equals to 2, l is equal to 1. That is r of 2, 1. अगर r of 3, 1 अगर हम करते हैं, that is r of 3, 1 अगर हम करते हैं, that is 3p orbitals. 3p orbitals are represented as z to the power of 5 by 2 r into 6 minus zr e to the power of minus zr by 3. बाकी का जो pi वाला term था और theta term था वो हमने cut out कर दिया. So ये अगर हमारा रहेगा तो यहाँ पर भी r term है. So, ये भी स्टार्ट होगा जीरो से ही. जीरो से स्टार्ट होगा आर इक्वल्स टू जीरो में आर थ्री वन हमारा जीरो रहेगा. सो यहां से ही स्टार्ट होगा लेकिन स्टार्ट होने के बाद में वो एक मैक्सिमम पे जाएगा. बट आफ्टर दैट व्हाट वी कैन सी इज ये सिक्स माइनस जेड आर टर्म फॉर हाइड्रोजन एटम जेड इक्वल्स टू वन होता है. सो आर थ्री वन विल बी इक्वल टू दिस जेड टू द पावर ऑफ वन फाइव बाई टू भी 1 हो जाएगा. सो इट इज आर इंटू सिक्स माइनस आर ई टू द पावर ऑफ माइनस आर बाय 3. जेड इक्वल्स टू 1 हमने सब्स्टिट्यूट किया. सो यहां पे क्या होगा आर इक्वल्स टू 0 में ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा. एंड व्हेन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर टर्म 6 माइनस आर तो इसमें अगर आर का वैल्यू 6 आता है तो 6 माइनस 6 विल बी अगेन 0. सो ये फिर से एक बार 0 होगा एट R equals to 6. R equals to 6 की वैल्यू पे ये फिर से एक बार जीरो हो जाएगा. सो इट विल बी समथिंग दिस वे देन इट गोज टू नेगेटिव एंड इट रीचेस अगेन जीरो एट इनफिनाइट डिस्टेंस. दिस इज फॉर n equals to 3, l इज इक्वल टू 1. n equals to 3, l इज इक्वल टू 1 पे ये आएगा हमें एंगुलर क्लॉक ये ऐसा मिलेगा. दिस पॉइंट अगेन वी कॉल इट एज नोड. So, यहां पर क्या हुआ कि n इज इक्वल टू 2 था. सो अगर हमारा वो पहले वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे करते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स n माइनस 1 तो यहाँ पे हमारा 1 नोड होना चाहिए था लेकिन दैट वाज फॉर n इज इक्वल टू 0. नंबर ऑफ नोड्स फॉर नॉन जीरो l विल बी इक्वल टू n माइनस l माइनस 1. ये जनरल फॉर्मूला है. ऊपर वाले के लिए भी ये हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वहां पे एल इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करना है. एन माइनस एल माइनस वन विल बी गिविंग अस द नंबर ऑफ नोड्स. सो एन इज इक्वल टू 2 होगा तो 2 माइनस 1 माइनस 1 सो इट विल बी 0 होगा. 0 नोड्स होंगे. देन एन इज इक्वल टू 3 वाला जो है सो दैट विल बी 3 माइनस 1 माइनस 1 सो 3 माइनस 2 1 नंबर ऑफ नोड दैट वी आर गेटिंग इट एट 6. वैसे ही हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे. नंबर ऑफ नोड्स अलग मिलेंगे. दिस इज फॉर एल इज इक्वल टू 1. अगर एल इज इक्वल टू 2 होगा दैट इज व्हेन वी आर गोइंग फॉर डी ऑर्बिटल्स. वी विल नॉट प्लॉट विल नॉट गो फॉर द इक्वेशंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स बट डी ऑर्बिटल का जो होगा इज आर ऑफ 3 2 और 3 1 आर ऑफ 3 1. तो आर ऑफ 3 1 अगर हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे तो दैट विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. एल इज इक्वल टू जीरो ही सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम से स्टार्ट होगा. बाकी सारे इसमें आर इक्वल टू जीरो पे जीरो फंक्शन होगा. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होगा. इट विल गो फॉर मैक्सिमम एंड देन इट विल कम डाउन टू दिस. यहाँ पे आर थ्री वन सॉरी आर थ्री टू
आर थ्री वन तो हमने यहाँ पे निकाला, सो आर थ्री टू है ये हमारा, आर थ्री टू में इस तरह से आएगा बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स विल बी 3 - 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 0 नोड्स. नंबर ऑफ नोड्स विल बी इक्वल टू 0 नोड्स. सो इसका फंक्शन इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये आर इन्फिनाइट एट इन्फिनिटी इट विल बिकम 0. सो देर वॉन्ट बी एनी नोड्स विल बी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन. तो इस तरह से हम रेडियल प्लॉट्स निकाल सकते हैं इनके, लेकिन रेडियल प्लॉट्स से हमें ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में कुछ नहीं मिलता है. ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो शेप के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन रेडियल प्लॉट्स से नहीं मिलती है. हमें मिलेगी जो ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है, ओरिएंटेशन होता है, वो हमें एंगुलर प्लॉट्स से मिलेगा, रेडियल प्लॉट्स में से नहीं मिलेगा.